हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कमेंट्स के ऊपर, तो जिन्होंने कमेंट्स किया मैं उसके इस वीडियो में रिप्लाई देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट्स है मैक्सटिल का। वो बोल रहे हैं कि हाय पैरट फिश में कौन कौन सी एक साथ रह सकती है, क्या ऑस्कर भी रह सकती है? तो जी हाँ मैक्स जी, ऑस्कर ही नहीं बल्कि आपका डिम्पल बार्ब हो गया, सार्क हो गया, एरवाना हो गया, फ्लावान हो गया, ये सब जो है आपके पैरट फिश के साथ वो रह सकती है। और गोल्ड फिश हो गया, कार्प हो गया, ये सब के साथ अपने पैरट फिश को एकदम नहीं रखें, ठीक है? इन सब चीज़ का आप ध्यान रखें। और ऋतिक यादव बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन ब्रो। तो धन्यवाद, और आप देखते रहिए हम लोग का चैनल, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी सर। और नेक्स्ट कमेंट है विश्वजीत जी का। वो बोल रहे हैं दादा, मेरे पेट शॉप का मालिक ने कल मुझे रिडॉल फ्लावन स्पेशल मेडिसिन यूज़ करने को बोला, क्या ये मेडिसिन सही है? तो विश्वजीत जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर वो बोला है रिडॉल फ्लावन के लिए स्पेशल है, तो आप ज़रूर उसे यूज करें, फिर मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। तो आप ज़रूर उस मेडिसिन को यूज करें अपने फ्लावन के लिए। फिर नेक्स्ट कमेंट है टॉप फिल्टर और पावर फिल्टर, अपर मिडल और लोअर कहाँ लगने चाहिए? जो फ्लावर का वेस्ट है वो फिल्टर थ्रू कैसे रिमूव किया जाए? मेरा जो सोबो 1000 एफ फिल्टर था वो टैंक के लोअर में लगाया था, पर वो फिल्टर काम नहीं कर रही थी, और ऊपर में लगाया तो फिश का वेस्ट ठीक से ट्रेस रिमूव नहीं हो रहा था। तो विश्वजीत जी, आप एक काम करिएगा, अपने जो पावर हेड फिल्टर है उससे आप ऊपर लगाइए, ठीक है? और एक पाइप आता है, पीवीसी पाइप आता है, वो क्या करिए अपने एक्वेरियम के द्वारा जो नीचे जहाँ वेस्ट होता है उसके अंदर वहाँ तक जो है पाइप वहाँ ले जाइए और लगा दीजिए। सारा वेस्ट जो है ऊपर छोड़ेगा, नीचे छोड़ेगा और निकालेगा उसे। और नहीं तो अगर आपके एक्वेरियम में ग्रेवल है तो ग्रेवल आप लगा लीजिए, क्योंकि ग्रेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो ग्रेवल अगर आपके पास है तो ग्रेवल फिल्टर लगा लीजिए, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा वो भी। उसके बाद है दादा, मैं मेरे 1.5 फुट फ्लावर टैंक के लिए नया फिल्टर लगाने जा रहे हो, तो मैंने वेनस एक्वा 3002F पावर फिल्टर और वेनस एक्वा 601 टी टॉप फिल्टर चूज़ किया है, क्या वो सेफ़ है? मेरे हिसाब से टॉप फिल्टर लगाओ तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ टॉप फिल्टर अगर लगाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने टॉप फिल्टर लगाया। और नेक्स्ट है क्लियर फ्लावर हॉर्न मेडिसिन प्राइस इन कोलकाता। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि कोलकाता का प्राइस तो मुझे नहीं पता, बट मिलता जुलता होगा उसे, 300 या 350 यहाँ प्राइस है क्लियर का, तो वहाँ भी समथिंग ऐसा ही होना चाहिए प्राइस। थैंक्स दादा, तो वेलकम भाई। तो कमेंट हम लोग का ख़त्म हो चुका है। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग का जो फार्म है वो खुल चुका है, और हम लोग का जो होलसेलर मार्केट है फिश का वो भी खुल चुका है। कुछ दिनों में जो इम्पोर्ट का मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन इस चैनल में मिल जाएगा। और कुछ दिन बाद जो है इस चैनल का नाम भी चेंज हो जाएगा, मरीन फिश लाइफ से समुद्री हो जाएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ हाउ टू डेकोरेट एक्वेरियम, आइडियाज़ कैसे आप एक्वेरियम डेकोरेशन कर ला सकें, और उसके बाद सिकलेट पे भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है? सिकलेट का सेटअप के बारे में। तो देखते रहिए मरीन फिश लाइफ। थैंक यू।